नमस्कार स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कंसल्टिंग एमबीबीएस के आज के रिव्यू में मैं भविष्य अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे महाराष्ट्र की। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स अबाउट दिस कॉलेज, आपको कुछ बताना चाहता हूं। व्हाई डू वी प्रोवाइड दीज रिव्यूज, हुम डू वी वॉन्ट टू बेनिफिट, लेट मी टेल यू, दीज रिव्यूज आर बेसिकली फॉर द मिड स्कोर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो टॉपर्स नहीं है पर एक बेस्ट कॉलेज डिजर्व तो करते हैं। These reviews help these budding medicos and their parents to make an informed decision with almost all requisite information handy about a particular college in which they are interested. So, make the most out of the information shared here in this video. अब बात करेंगे कॉलेज की। ये कॉलेज 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में है और ये करीब 14 किलोमीटर दूर है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और करीब 14 किलोमीटर ही दूर है पुणे रेलवे स्टेशन से। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। हमने आपके साथ बहुत से डीम्ड यूनिवर्सिटी के रिव्यूज शेयर किए हैं बट दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डीम्ड यूनिवर्सिटी रिव्यू विच वी आर शेयरिंग विद यू। आगे जब फीस की बात करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यहां लोकल डोमिसाइल कोटा नहीं है। नीट के एग्जाम्स के बाद ऑल इंडिया एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू आपको यहां सीट मिलती है। डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के बारे में और डिटेल्स देता हूं। पहले सीट्स और कट ऑफ की बात करता हूं। ऑल इंडिया एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स टोटल 250 सीट्स, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी 212 सीट्स, ऑल इंडिया एनआरआई कैटेगरी 38 सीट्स, यानी 15% सीट्स पे एनआरआई स्टूडेंट्स और बाकी 85% सीट्स में ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी वाले रहेंगे। नाउ एमसीसी काउंसलिंग 2023 में डिफरेंट राउंड में कट ऑफ क्या थी फॉर जनरल स्टूडेंट्स। कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक 2023 क्लोजिंग रैंक राउंड 1 547,267, राउंड 2 604,781, राउंड 3 587,361 एंड इन स्ट्रे राउंड इट वॉज 313,658। The cut-off NEET score 2023, score as per closing rank, round 1, 251 marks, round 2, 232 marks, round 3, 238 marks and in stray round, it was 351 marks. For NRI students, the cut-off marks for NRI category, cut-off All India rank 2023, round 1 closing rank 12,17,049, round 2, 11,55,172, round 3, 8,53,916. Cut off NEET score 2023, score as per closing rank round 1 107, round 2 115, round 3 167. About the college fees now, general category ke liye college fees is prakar hai. Fee for general category, first year 26,50,000, other non-refundable 2,00,000, first year ki puri fees aati hai 28,50,000. College mein har saal 7% fee ka increment hota hai, to 5 saal ki jo fees hai wo banti hai 1,54,39,458। अब बात करेंगे एनआरआई कैटेगरी की कॉलेज फीस की। एनआरआई कैटेगरी में भी हर साल 7% फीस का इंक्रीमेंट होता है। फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो है 43,500 यूएसडी एंड नॉन डिफंडेबल पोर्शन है 2,700 यूएसडी का। तो जो टोटल फीस फर्स्ट ईयर की है वो 46,200 यूएसडी की है, जो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 2,12,00,000 रुपीज बनती है 5 ईयर्स की 2,52,856 डॉलर के हिसाब से एट द कन्वर्जन रेशियो ऑफ रुपीज 84 पर डॉलर। अब हॉस्टल और मेस फीस की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी हॉस्टल एंड मेस फीस पर ईयर इज फॉर 3 सीटर नॉन एसी विद मेस, जनरल कैटेगरी 3,05,000 एंड कॉशन मनी डिपॉजिट विच इज रिफंडेबल इज 50,000 रुपीज। हॉस्टल एंड मेस फी फॉर एनआरआई 3 सीटर नॉन एसी विद मेस 4,500 यूएसडी एंड कॉशन मनी विच इज रिफंडेबल इज रुपीज 50,000। अब क्लियर हो गया होगा व्हाई वी कॉल दिस अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव डीम्ड यूनिवर्सिटी। यहां हॉस्टल में रहना जनरल और एनआरआई दोनों के लिए कंपलसरी है। आपको पूरे 5 साल रहना होगा पर मेस केवल फर्स्ट ईयर कंपलसरी है। सेकेंड ईयर से आप बाहर की फूड फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और देता हूं कि अगर फर्स्ट राउंड में आपने डीवाई पाटिल ऑप्ट कर लिया और सेकेंड या थर्ड राउंड में आप अपग्रेड या रिजाइन करना चाहते हैं तो फी रिडक्शन क्या होगा। अगर फर्स्ट राउंड में ऑप्ट करने के बाद आप सेकेंड या थर्ड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं
तो आपकी टोटल फीस से 10,000 रुपीज डिडक्ट होंगे। मगर यदि आपने एमसीसी काउंसलिंग फिनिश होने के बाद रिजाइन किया तो आपको 5 ईयर्स की टोटल फीस जमा करानी होगी। और अब इस कॉलेज में अपनी 5 साल की लाइफ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में फैकल्टी क्लास अपार्ट है, यहाँ 43 एकड़ का कैंपस है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है। हम ये क्यों कह रहे हैं जरा पीपीटी गौर से देखिए। यहाँ के ऑडिटोरियम, एग्जामिनेशन हॉल, लैब, एनाटॉमी म्यूजियम, पैथोलॉजी म्यूजियम और फॉरेंसिक म्यूजियम को देखकर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और यहाँ अप्रोक्सीमेटली 3000 पेशेंट्स की डेली ओपीडी है। साथ ही 2011 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें से 1590 टीचिंग बेड हैं। इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग 17th है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और अदर इवेंट राउंड द ईयर कैंपस में होते रहते हैं। पुणे अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सिटी है, तो घूमने फिरने के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो जो स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और वो पेरेंट्स जो यहाँ की फीस सपोर्ट कर सकते हैं, जिन्हें पुणे का एटमॉस्फेयर और कॉस्मोपॉलिटन एनवायरमेंट अट्रैक्ट करता है, वो इस वीडियो में दी गई डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ग्राउंड लेवल एनालिसिस के बेसिस पर करेक्ट डिसीजन लें और अपना कॉलेज चूज करें। फिर भी कहीं आपको लगता है कि आपको अपना डिसीजन लेने में हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो आप निसंकोच हमारे गिवन सपोर्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें आपकी सहायता करने में हर्ष होगा। धन्यवाद। थैंक यू। स्टे फोकस, कीप वर्किंग हार्ड।